हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहतो आयर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ फ्रेंड। और ये इस वीडियो के अंदर इसके लिए यहाँ पे बात करेंगे कि BGMI के अंदर जो नेक्स्ट आप लोग का यूसी स्पेंडिंग का इवेंट है वो आप लोग को कब तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक हिडन अचीवमेंट के बारे में बात करूंगा। और साथ में गाइस, आज मेरा यहाँ पे लक 10 UC का काफी ज्यादा सही था, तो उसको लेकर भी बात करेंगे कि 10 UC मेरे को यहाँ पे आज क्या मिला। तो आप लोग डेफिनेटली वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। और साथ में चैनल में पहली बार आओ तो इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या है यहाँ पे देख सकते हो, जैसे गए यहाँ पे इवेंट के अंदर जाइएगा तो ऑलमोस्ट गए आप लोग बताओ कि अभी गए यहाँ पे जो 3.0 वर्जन का अपडेट आने में 4 से 5 दिन गए यहाँ पे आप लोग का टाइम यहाँ पे बीत चुका है, लेकिन अभी तक गए यहाँ पे कोई भी यूसी का गए यहाँ पे जो इवेंट है वो गेम के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो नॉर्मली गए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे गए यहाँ पे आप लोग का अपडेट आता है उसके ठीक 1 से 2 दिन के अंदर गए यहाँ पे यूसी जो आप लोग का धमाका का इवेंट है वो गए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये सेम चीज गए यहाँ पे BGMI और PUBG Mobile दोनों के अंदर होता है। तो अभी गए यहाँ पे बता दूं कि 3.0 वर्जन का अपडेट के बाद PUBG Mobile के अंदर तो गए यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोग का यूसी वाला जो इवेंट है वो गेम के अंदर आ गया था, लेकिन अभी तक गए यहाँ पे BGMI के अंदर कोई भी यूसी का इवेंट देखने को नहीं मिल रहा। तो अब गए यहाँ पे बात आती है कि कब तक गए यहाँ पे हम लोग को यूसी वाला जो इवेंट है गेम के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस बता दूं कि जो पॉडकास्ट गए यहाँ पे आउट हुआ था 3.0 वर्जन का BGMI का, उसके अंदर में गए यहाँ पे बोला गया था कि 8 तारीख को गए यहाँ पे काफी सारे सरप्राइज इवेंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो वैलेंटाइंस का जो यहाँ पे फर्स्ट दिन स्टार्ट होगा उस दिन यहाँ पे बोला गया था कि काफी सारे गए यहाँ पे सरप्राइज इवेंट देखने को मिलेंगे। तो मैं भी गए, अब मेरे को लग रहा है कि शायद से गए यहाँ पे हो सकता है कि जो यूसी बोनस का इवेंट है वो आप लोग को यहाँ पे 8 तारीख के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाए। अभी फिलहाल के लिए मैं ये बोलूंगा कि 2 से 3 दिन का वेट कीजिए, अगर 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है तो काफी ज्यादा सही है, लेकिन अगर इनकेस के यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर नहीं आता है तो आप लोग गए यहाँ पे मान के चलिए कि 8 तारीख के आसपास ही अब आप लोग को सीधा गए यहाँ पे यूसी बोनस का इवेंट देखने को मिलेगा। और जिस दिन गए यहाँ पे बता दो कि जो यूसी बोनस का इवेंट आप लोग को देखने को मिलेगा उसके ठीक 2 वीक के बाद गए यहाँ पे जो यूसी स्पेंडिंग का इवेंट है ये आप लोग को यहाँ पे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। इनकी अगर मान लीजिए गए यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है यूसी बोनस का इवेंट तो आप लोग को यूसी स्पेंडिंग का इवेंट यहाँ पे आप लोग को लगभग मान के चलिए कि 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के आसपास में यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गए यहाँ पे यूसी बोनस का इवेंट यहाँ पे डिले होता है तो आप लोग गए यहाँ पे मान के चलिए कि जो यूसी स्पेंडिंग का इवेंट है वो भी गए यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे डिले हो जाएगा और लगभग 25 तारीख के आसपास यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा यूसी स्पेंडिंग का इवेंट। तो ये तो चले गए यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। बाकी इसके अलावा गाइस यहाँ पे देख सकते हो, आज सुबह मैंने गए यहाँ पे ये जो आप लोग का M416 का गाइस यहाँ पे ये इवेंट आया हुआ है इसके अंदर में मैंने यहाँ पे 10 UC का गाइस यहाँ पे एक बार स्पिन किया था और लिटरली गाइस यहाँ पे इतना ज़्यादा सही लगता कि देख सकते हो यहाँ पे 10 UC में डायरेक्ट गाइस यहाँ पे मेरे को एक अल्टीमेट गाइस यहाँ पे ये जो मास्क है ये यहाँ पे मिल गया। और गाइस यहाँ पे आप लोग बताओ कि पहली बार अगर आप लोग को कोई भी गाइस यहाँ पे एक अल्टीमेट स्किन मिल गया, भले गाइस यहाँ पे ये मास्क ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लोग को गाइस यहाँ पे एक अल्टीमेट स्किन मिलता है तो इसके बदले में गए जहां पे एक अचीवमेंट है जो कि जहां पे आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है और यहां पे गए कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड है जो कि आप लोगों को मिलता है। तो क्या यहां पे देख सकते हो 10 UC में ये मास्क तो यहां पे चलिए मिल गया। अब चले गए यहां पे सीधा आते हैं बैक और आप लोगों को दिखाता हूं गाइस कि जैसे यहां पे ये मास्क आप लोगों को मिलेगा तो उसके बाद गए यहां पे एक्चुअल में क्या यहां पे होता है। तो क्या यहां पे देख सकते हो एक अचीवमेंट गए यहां पे कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है गए यहां पे अल्टीमेट फैशन करके और इसके अंदर में गए यहां पे देख सकते हो एक एक्सक्लूसिव गए यहां पे अवतार है जो कि गए यहां पे बता दूं कि एक एनिमी यहाँ पे आप लोग का अवतार है। तो आई गए यहाँ पे सीधा आप लोग को लेके चलता हूँ अचीवमेंट के अंदर और उसके बाद गए यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक्चुअल में गए यहाँ पे अचीवमेंट है कौन सा और यहाँ पे आप लोग को क्या क्या रिवार्ड मिलेगा। तो सीधा गए यहाँ पे आप लोग को लेके चलता हूँ अचीवमेंट के अंदर और जैसे गए यहाँ पे अचीवमेंट के अंदर आप लोग जाइएगा तो देख सकते हो गए यहाँ पे जो अल्टीमेट फैशन है ये फाइनली गए यहाँ पे रेड मार्क इसमें आ रहा है और जैसे गए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो 30 अचीवमेंट पॉइंट और उसके अलावा गए यहाँ पे देख सकते हो एक एनिमेटेड में गए यहाँ पे जो अवतार है ये यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली गए यहाँ पे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के पास गए अभी टोटल मिला के कितना गए यहाँ पे अल्टीमेट स्किन आप लोगों के पास है। और मेरे को तो गए यहाँ पे पहली बार यहाँ पे देख सकते हो 10 UC में फाइनली कोई एक अच्छा रिवार्ड मिला। बाकी अब गए यहाँ पे बात करते हैं आप लोग एक हिडन अचीवमेंट के बारे में और इसके लिए गए यहाँ पे सबसे पहला आप लोग काम ये करना है कि डायरेक्ट गए यहाँ पे जो क्लासिक रेट रहता है उसके अंदर में आप लोग को आ जाना है और जैसे गए यहाँ पे क्लासिक रेट के अंदर जाइएगा तो इसके अंदर में गए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे
जाना है। और जैसे गए यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा तो आप लोग गए यहाँ पे एपिक के अंदर में गए जहाँ पे देख सकते हो, एक गए जहाँ पे आउटफिट देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है गए जहाँ पे स्कल शेडो सेट करके। तो अगर आप लोग पास गए जहाँ पे ये आउटफिट है तब तो गए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन इन केस गए अगर आप लोग पास ये आउटफिट नहीं है तो सबसे पहले तो गए ये आउटफिट को आप लोग यहाँ पे क्या करना है, क्रेट ओपनिंग करके गए यहाँ पे निकाल लेना है। और जैसे गए यहाँ पे ये आउटफिट आप लोग निकाल लीजिएगा तो उसके बाद गए यहाँ पे पांच और आइटम है जो कि यहाँ पे आप लोग को रिडीम करना पड़ेगा और वो चीज़ मैं भी आप लोग को आगे बताता हूँ। तो देख सकते हो गए यहाँ पे स्क्वेबल स्क्वाड करके इसका नाम है, हालांकि ये यहाँ पे काफ़ी सारे लोग का ये अचीवमेंट पहले भी कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन जिनका गए यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ तो सबसे पहले तो गए यहाँ पे एक आउटफिट आप लोग को निकाल लेना है। दूसरा गए यहाँ पे देख सकते हो ये बैकपैक आप लोग को दिख रहा हो जो कि गए यहाँ पे आप लोग रिडीम करना पड़ेगा। तीसरा गए यहाँ पे देख सकते हो एक हेलमेट है जो कि गए यहाँ पे आप लोग रिडीम करना पड़ेगा। इसके अलावा गए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एक यूएच का स्किन है जो कि गए यहाँ पे आप लोग को नीड है। इसके अलावा गए यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग बात करूँ तो दो और स्किन है जिसमें गए यहाँ पे देख सकते हो एक ग्रोजा का स्किन है। और इसके अलावा गए यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग बात करूँ तो इसी में गए यहाँ पे देख सकते हो एक UMP-45 का स्किन है जो कि यहाँ पे आप लोग को चाहिए होगा। इनके टोटल मिला के गए यहाँ पे छः आइटम चाहिए जिसमें से एक तो मैंने आप लोग बता दिया कि कैसे यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, बाकी आई गए यहाँ पे जो पांच अदर गए यहाँ पे स्किन है वो भी बता देता हूँ कि कैसे आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए गए यहाँ पे क्या करना, सीधा आप लोग रिडीम वाले ऑप्शन में आ जाना है और देख सकते हो गए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को 720 सिल्वर फ्रेगमेंट में यहाँ पे गए ये जो ग्रोजा का स्किन है ये आप लोग को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा गए यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग बात करूँ तो थोड़ा सा गए यहाँ पे नीचे आ जाना है और जैसे गए यहाँ पे नीचे आएगा तो देख सकते हो गए यहाँ पे ये स्कल बैकपैक दिख जाएगा जो कि अगेन आप लोग को 720 सिल्वर में यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा गए जहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो देख सकते हो गए यहाँ पे इसी के ठीक नीचे में स्कल हेलमेट आप लोग दिख जाएगा जो कि अगेन गए जहाँ पे 720 सिल्वर में आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा गए जहाँ पे देख सकते हो 720 सिल्वर में आप लोग को स्कल UMP-45 का स्किन है जो कि गए जहाँ पे रिडीम शॉप के अंदर ही आप लोग को मिल जाएगा। और बाकी इसके अलावा गए जहाँ पे नेक्स्ट आप लोग बात करूँ तो देख सकते हो गए जहाँ पे आप लोग का यूएच का स्किन है और ये भी गए जहाँ पे 360 सिल्वर में आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस टाइप से गए जहाँ पे पांच स्किन यहाँ से मिल जाएगा और एक गए जहाँ पे जो आउटफिट है उसको आप लोग क्लासिक रेट के थ्रू गए जहाँ पे निकाल लेना है और जैसे गए जहाँ पे ये छह आइटम आप लोग को मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे लगभग आप लोग 3300 सिल्वर फ्रेगमेंट के आसपास यहाँ पे जरूरत पड़ेगा और जैसे ये छह आइटम आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है तो उसके बाद गए जहाँ पे ये जो आप लोग का हिडन अचीवमेंट है ये गए जहाँ पे आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और हिडन में गए जहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अचीवमेंट आप लोग फिलहाल के लिए छुपा हुआ है और यहाँ से गए देख सकते हो आप लोग को 50 अचीवमेंट पॉइंट और साथ में यहाँ पे एक प्लेन का फिनिश है जो कि गए जहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो ये था गए जहाँ पे आप लोग का अचीवमेंट जो कि अब आप लोग चाहते हो गए जहाँ पे आराम से कंप्लीट कर सकते हो अगर आप लोग का अभी तक गए जहाँ पे ये अचीवमेंट कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो जाइए गए जहाँ पे जाकर सबसे पहले क्लासिक रेट से जो आउटफिट है उसको निकाल लीजिए और बाकी जो पांच अदर आइटम है उसको गए जहाँ पे आप लोग को रिडीम करना पड़ेगा जाकर सीधा रिडीम शॉप से। तो बस गए यही था जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोग बताना था, बाकी इसके अलावा कुछ भी डाउट रह गया होगा तो आप लोग चाहो तो गए यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा गाइस जहाँ पे कोई भी यूसी का इवेंट आता है तो डेफिनेटली गाइस मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, या फिर गाइस जहाँ पे कोई भी लीक्स आता है यूसी से रिलेटेड तो डेफिनेटली गाइस मैं अलग से डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए गाइस यही था जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोग बताना था, बाकी इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।